जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं जीवित पुत्री का व्रत कथा। अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला यह व्रत मुख्य तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में किया जाता है। दरअसल कई जगहों पर इसे जीतिया व्रत के नाम से पुकारते हैं और पड़ोसी देश नेपाल के भी कई इलाकों में यह व्रत काफी लोकप्रिय है। वैसे तो यह व्रत आम तौर पर महिलाएं करती हैं और इस दौरान माताएं 24 घंटे या कई बार उससे भी ज्यादा समय तक निर्जला उपवास रखती हैं। वहीं जीतिया व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कहते हैं और इस व्रत की शुरुआत सप्तमी से नहाय खाय के साथ हो जाती है और नवमी को पारण के साथ इसका समापन हो जाता है। ऐसे में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस व्रत की शील सियार की कथा। मिथिलांचल सहित कई इलाकों में प्रचलित इस कथा के अनुसार एक समय एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास में वही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चील्हों का ऐसे ही ध्यान रखती थी। एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें जीवतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चील्हों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारिन को बताई। दोनों ने इसके बाद जीवतिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करते हुए व्रत किया, लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चील्हों ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो इस बारे में पूछा। सियारिन ने सारी बात बता दी। चील्हों ने इस पर सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चील्हों ने भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहने हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चील्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चील्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जीवतिया व्रत किया तो उसके भी पुत्र जीवित रहे। जीवित पुत्र का व्रत के साथ
जीमूत वाहन की कथा जुड़ी है। संक्षेप में वह इस प्रकार है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल रुमाल ले लिया और वे उसमें लपेट कर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोच कर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आँख में आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जात की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हुई है।